तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देवादिदेव भगवान शिव से कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की। रविवार को तड़के स्नान ध्यान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ से निकले, गुरु गोरखनाथ एवं अखंड ज्योति का पूजन कर दर्शन किया। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के पास स्थापित शक्तिपीठ में भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मंदिर के परंपरागत पुजारी शामिल रहे। मंत्रोच्चार के बीच एक घंटे तक चले रुद्राभिषेक कार्यक्रम में मंदिर के मुख्य लोग शामिल रहे। रुद्राभिषेक के दौरान दूध तथा कई प्रकार के फलों के रसों से अनुष्ठान को संपन्न कराया गया। अनुष्ठान के बाद प्रसाद वितरित किया गया। रुद्राभिषेक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण की कामना की। Gracias.